बट सॉरी सर, आई कांट सेल दिस प्रोडक्ट, इट्स टू कॉन्फिडेंशियल सर। ओके सर, आप ऑफिस पहुँचे, मैं अभी वहाँ पर मिलता हूँ, वहाँ बात करते हैं। अनवर, आई एम सॉरी बेटा, उससे तुम्हें चोट भी लग सकती थी, करंट भी लग सकता था, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं बस एक छोटा सा रोबोट ही तो बना रहा था डैड। बनाना जो दिल करे बनाना। सबसे बड़ी गलती करी है हमने तुझे, ये गाली दिला के बाबूजी की 4 बीघा जमीन बेच दी, इतना तेल हम सब्जी में ना खा रहे जितना तेरी गाली खा रही है। जा रहा हूँ पापा मैं। हाँ हाँ जाओ ड्यूटी पे, बनाऊंगा मेरे लंड के रैपर। सॉरी सर, मेरी बस छूट गई है, मैं नहीं आ सकता। 5 मिनट में आ गया सर। तुझे हर बार कैसे पता चल जाता है मेरी बस छूटने का? अनवर, 100 रुपये दे दे यार पेट्रोल के लिए। पेट्रोल का जुगाड़ बिंजो ऐप से कर लेना। बिंजो? अबे बिंजो एक ऐप है जिस पर कैरम, वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप और भी बहुत सारे 70+ गेम्स है जिन्हें खेल कर तू आराम से पैसे कमा सकता है। लेकिन वो जीते हुए पैसे मेरे अकाउंट में कैसे आएंगे? बहुत आसानी से UPI और पेटीएम के थ्रू अपने वॉलेट में कर सकता है। इस पे एक बिंजो स्टोर भी है जहाँ से तू डोमिनोज और डिज्नी हॉटस्टार के आराम से वाउचर खरीद सकता है। बढ़िया यार ये तो। और सुन, इस पे तेरे जैसों के लिए ना एक स्पेशल वर्ल्ड वॉर टूर्नामेंट है जहाँ पर हारने पर भी पैसे जीत सकते हैं। ये तो बहुत बढ़िया यार, अभी डाउनलोड करता हूँ। अब तो बता दे यार क्या काम करती है तेरी कंपनी? माँ चुदाती है। अनबर, तू क्यों इतना चिड़चिड़ा रहता है? इतनी बढ़िया कंपनी है तेरी, इतनी बढ़िया जॉब है, इतना पढ़ा लिखा है तू, तू अपनी लाइफ से खुश है ना? एक और बात, तेरी से गलत तेरे पापा से क्यों नहीं मिलती? ये तो अनबर का है, इसमें है क्या? साला रोज लेकर घूमता है इसे। और सुनो, 2 रैप सॉन्ग मेरे बेटे को मिलने चाहिए। अरे 3-4 गाने तो पहले हिट दे चुका है वो। अरे क्योंकि हमने सिखाया उसे रैप करना। राहुल मेरे बेटे, ये कैसे लगी? कुछ नहीं पापा। और ये कपड़े? बस ऐसे ही। अरे कोई डॉक्टर सत्तू को बुलाओ जल्दी। राहुल बेटे, आज तुम मेरे एक दोस्त की तरह लग रहे हो। पापा ये चश्मा हमें हमारे सन ने दिया था। पापा एक बात पूछूं? हाँ बेटे। दादाजी के साथ ऐसा क्या हुआ था कि वो हमारे बीच में नहीं है? बात 1959 की है, जब अपना यह चमचमाता शहर एक बहुत पिछड़ा गांव हुआ करता था, जिसमें ना लाइट थी, ना बड़े बड़े रोड थे, ना मोबाइल था, ना फेसबुक थी, पर हाँ चौपाले थी, चारों तरफ खुशहाली थी। पुरुषोत्तम, कानिक रुको जरा। अरे थोड़ा जल्दी आओ, कदी मर गिल्लो की तरह आ रहे हो। अरे कल वाला काम निपटा लियो ना अपना। हाँ निपटाए लिए हैं। अरे कहाँ मसला है, काहे बिठाए आज की पंचायत? कदी कोनो बात हो, ये तो पंचायत के नाम पे शायरी का मैखाना खोल रखो। ये ससुरा क्या चीज ले आयो, पूरे गांव में दूर दूर तक ना है। सुनने में तो यारो ई का बाप ने जुतासी की जमीन बेच के युद्ध लायो। गुड्डू का रोला है, पूरा गांव आगे पीछे हो रो। गुड्डू मुबारक हो।
मज में लगा रखो है, पूरा गांव पंचायत में ढुलढुल जाए, यहाँ का देख रहा। ठीक है गुड्डू भैया। पता नहीं है गुड्डू भैया सेकंड हैंड न्यू साइकिल लाए। ए मुन्ने भैया हम भी चल रहे हैं साथ। काहे पंचायत में नहीं जा रहे आप? कभी देखे हो हमें पंचायत में? नहीं देखा तो नहीं है कभी। तो फिर काहे? अच्छा भैया तनिक दुधवा ले लीजिए हमारे पास से। कोनो जरूर ना तुम्हारे दुधवा का, किसी गरीब का लड़का को देते हो? काहे बार बार हमसे दुधवा के लिए पूछते रहते हो? अरे आप सरपंच जी का लड़का है ना। तो क्या हुआ, हमारी खुद का एक पहचान है मुन्ना। ई भोसड़े का अगर सरपंच का लड़का नहीं होता तो यही दुधवा बुला के इसकी गांव मार देते। ए भैया दुधवा है का? लंडवा है वाले होगा। देखा कबीरा, ई होता है कीमत चीज का जलवा। वो इतनी बड़ी पंचायत पर ई लड़का लोग टस से मस ना हो। 100% बोले गुड्डू। कहा था गुड्डू आ चले देखे क्या है बबल। लंडवा दे गया हमारा, जलवा कम ना हो जाए ई लड़का लोग के सामने। कौन लड़का लोग? ई लड़का लोग। ई भोसड़िया के किधर गए? अरे हमारी लुगाई कह रही है उसने तुम्हें दी और शाम ढलते ही दी वो भी उठा के। हम कह रहे हैं तुम्हारी लुगाई ने हमको ना ही दी, तुम हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। आने दो सरपंच को, हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। कहा दिक्कत है, कहा पंचायत बुलाए? सरपंच जी हमारी लुगाई ने जा मुरली को दई और ये इनकार कर रहे हो कि ना दई। हे बोल ले काहे ली वे, तुम्हारी लुगाई मर गई है का? हम धराती का बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा हमको लगा दी ससुरे कहाँ मर गए थे कोनो पता ना। आज पंचायत चल लो और ये पूरा गांव कहाँ है पता ना, कौन सुनेगा अब हमारी शायरी? अरे हम सुनेंगे सरपंच जी। तो सुनो, आती थी जाती थी देख के हमें मुस्कुराती थी। वाह 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 वाह। अरे आती थी जाती थी देख के हमें मुस्कुराती थी। अरे आती होगी। मुन्ना किधर गए हो? इधर गए हो? ये सूत्रा किधर गए हो? अरे अरे ये होगा ना सलवार में। Excuse me. आज यार कौन सा है? ये साला पक्का अंग्रेज हो, हमारे देश से फिर से कब्जा होने वाला हो, अब तो गांधी जी भी न रहे देश में। हेलो आज साल कौन सा है? 1959। हे डरो नहीं, कुछ नहीं कहेंगे हम तुमका। क्या नाम है तुम्हारा? वैसे हमारा नाम मुन्ना है। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम पक्का हिंदुस्तानी हो? तुम इसको जानते हो? ये कहा है? अरे अरे इसको जानते हो? इको मेरा बिछुआ जानता है। कहाँ है आपका बिछुआ? उ रहा
कहाँ है? अरे वो है तो सतबीरा जी बापू इंग्या हाँ बापू तुम इसकी जगह खेत में पुतला भी तो खड़ा कर सकते हो। हाँ हाँ पुतला भी खड़ा कर सके हैं पर ई जिंदा आदमी खड़ा करने का योजना का पीछे एक ही कारण था कि बड़ा सा बड़ा जानवर खेतन से भाग सके और फसलें बची रहें और फसल बची भी बता रहे बता बची के ना। हाँ जी बची पर इस तरह से इसकी मौत हो सकती है धूप और गर्मी से। मरने दो लोंडा तो फिर पैदा कर लोगे पर ई फसल मर गए हो तो फिर पैदा ना होती। फसल बचे तो देश का अर्थव्यवस्था सुधरे और ई का सुधीर तुमरा तो बस दो ही लोंडा मरो। दो ही तो था सरपंच जी। दो ही थे हेड साद चलागा का भाग भोसरिया के का हो गया गुड्डू यो अब तो कोई काम का गुत्ता भी ना पूछ रहा है। इस छलावा का कुछ करना पड़ेगा। कहा गुड्डू कहा दिक्कत आ रही है? सरपंच जी गुड्डू भैया को ई गांव में जलवा खत्म। कुछ नहीं सरपंच जी गांव में कोनो हरे रंग का बवाल आया हुआ है। हाँ कहा हुआ उका? उका तो बहुत समय से देखा ही नहीं। तनिक जल्दी ढूंढो जाओ ढूंढो। सुनो रे तेरी बहन का भोसरा फिर से शायरी। भाग कबीरा शायरी सुनोगा का? शायरी कल सुनाई। सरपंच जी ई का मतलब है कल को भी सुनाइयो आज भी सुनाइयो रोज सुनाइयो। ओ दुल्हन बनकर रुखसत हो गई। वाह 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 वाह। ओ दुल्हन बनकर रुखसत हो गई। वाह वाह वाह। कहां तक करोगे ऊ का पीछा? ऊ बेटी चौध किसी और की हो गई। वाह वाह का शायरी है का शायरी है यो। सुनो सुनो सरपंच जी। सुना रहे हैं ये देख रहे हो गांव में दीवाने हैं शायरी का। अरे हम सुनने ना सुनाने आए हैं। इरशाद इरशाद जी सरपंच जी भग बहुत सारी आगे चल चल के चला। अरे बहुत बड़ा बात हो गया। कहा हो गया? अरे वो हो गया है जो सरपंच जी से दो ही वर्ष में ना हो सको। हो जाएगा वो भी अभी ढाई वर्ष की दवाई चल रो फिर देखियो कैसे सांप के जैसा फन फनागो। हम गुप्त रोग का बात ना कर रहे सरपंच जी। तो ऊ खेत में सीमेंट से निकला गुलाब ऐतिहासिक किताब हर हल का जवाब सच हुए मेरे खाब खबरदार वफादार होशियार गली गैंग सबसे हाट परिवार कोई मसले में अटके तो सब जिम्मेदार। बहुत अच्छा गा रहे हो किसने सिखाया? किसने का सिखाया हम खुद लिखे। गाओ पूरा गाओ। गली गैंग सबसे हाट परिवार कोई मसले में अटके तो सब जिम्मेदार तू आके देख ले मैंने रातें कितनी सारी तेरी यादों में गुजारी मैं रहूं सारी रात इंदाबाद दारू पीऊं लगातार फोन रख लिया बट भूली ना हो तो चार्जर के भूली ना तू चार्जर तेरे बाप ने भी चार्जर देखा इस जमाने में और क्या था रहूं इंदाबाद बेड़े में रहते हो भोसड़ी को तुमसे बेड़े सही से ना बनने। देखो ये डिवाइन ने लिखा और बता दो किसने तुम्हें सिखाया। भैया कोई नहीं सिखा रहा हमको हम खुद लिखे। जाओ माखनलाल। जी सरपंच जी। ई कबाला है सरपंच जी तो इंसान ही ना है।
ई संभव ना हो सको। अब खेत में किसी को खड़े होने को जरूरत ना हो, ये हम भी लगवाएंगे अपने खेत में। बहुत सारी हो गए, ये कोई मेला लग रहा है, कुछ पता कितनी खतरनाक चीज हो सके, जो कोनो बम बम भी हो सके, गांव को उड़ाने की साजिश हो सके, ककाया सूझ गए चमड़े गल को। ये ससुरा सरपंच पहले हमारे दो लड़का खा गए, अब ससुरा सतमिया के पीछे पड़ गए। पर सरपंच जी, फसल का रक्षा का कहा, ये जिम्मेवारी हमारी पंचायत की है। आखन लाल, कितनी बार बोले हैं कि तुम हमारा बाया हाथ हो, बाई तरफ रहा करो। और ससुरा पता लगाओ ये किसकी साजिश हमारे खिलाफ करते हैं सरपंच जी। और हरिया, काल चाल काई, 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 काई। तो दो दिया लग रहा हो ना, अब तो चूतिया लग रहा हो। ये चल कर आ गाँव में का पता, तनिक जल्दी पता लगाओ। जी सरपंच जी। माकन लाल यो ही है का लग तो यो ही रिया भैया, तो धरो गणपटी पे। अरे अब लग गई का भैया, कबीरा पीछे से करो। अरे भोसड़िया के, हमारे पीछे से नहीं, उनका पीछे से हमला करो। तुमको क्या लगा था गुड्डू तुमको ढूंढ ना पाएगा? ए कबीरा पकड़ो जरा। वाह कबीरा वाह, ओ तो ई बवाल है। अरे भैया ये कहाँ है? अरे भैया, अरे जो का आवाज है? होरन, हिरन, हिरन। कबीरा तुम देखो कहाँ बैठे हुए हिरन। अरे ए कबीरा कहाँ होगा? हाँ जल गो। कैसे? अरे हिरन की गाल गरम हो रहा है। गुड्डू, गुड्डू छोड़ दो उका। ए मुन्ना निकल लो यहाँ से। ना गुड्डू, इन्हें सब देख लियो है, ई का भी काम खत्म करना पड़ोगे पहले। नहीं, मुन्ना को छोड़ दो, नहीं, मुन्ना। कौन जरूरत ना है तुमको रोने का, तुम बस हमारा नाम याद रखना मुन्ना। कौन है वे तू? तुझे पता ना गुड्डू कितना मारो। मुझे लगता नहीं था कि मैं अब कभी वापस जा पाऊंगा, हिम्मत हार गया था मैं, अकेला पड़ गया था। जिसके सच्चे और पक्के दोस्त होते हैं ना, वो अकेला नहीं पड़ा करते, ना हिम्मत हारते हैं। मैं हमेशा तेरे साथ था, हूँ और हमेशा तेरे साथ रहूँगा।
हमें कुछ जरूरी बात करनी है, हमें 2 मिनट के लिए अकेला छोड़ दो। ना जी ना, इस गांव के सरपंच का लड़का है हम, पूरी बात जानने का अधिकार है हमारा। मैं गांडू, चला जा। का बोले? गांडू चला जा। गांडू। ए मुन्ना भैया, का हाल है? मुन्ना ना बोलो हमको। तो का बोले? गांडू नाम है हमारो। बड़ा अच्छा नाम है, हम भी रखेंगे अपने लल्ला का। अच्छा मैं ये कह रहा था, वापस चलते हैं। मशीन कहाँ वाली? वो तो मुझसे खो गई यार। शिट यार, शिट। ये है तो इससे कर लेंगे ना ट्रेवल। एक मशीन से सिर्फ एक बंदा ट्रेवल कर सकता। कोई बात नहीं, हम उसको ढूंढ लेंगे। अरे पकड़ो ससुरा को। कभी जहर उगल दो मुंह से, यो ससुरा मुंह से ना उगले है ये जानवर जहर, ये तो फन से उगले है। पहले भने ही दो वो जो, अरे ये तो भलान है। अबे इंसान है वो, तेंदुआ ना है भोसड़ी को। सरपंच जी, ई में आग लगा देते हैं। रे थम जा, कतई फैसलो तो होन दे पहले, तू ही बन ले सरपंच। कटो और सरिया के चल। ई रहा जानवर, ई ससुरे ने गांव में हड़दंग मचा रखो। ई के साथी को भी पकड़ेंगे, ऊ को भी मारेंगे। गांव की सुरक्षा के लिए कोना जोखिम ना उठाएंगे हम। ठीक है, फांसी दे दो सरपंच जी। ठीक है तो फिर ई को फांसी। अरे सरपंच जी, कोनो जरूरत ना है फांसी का। अरे वो गांव का सरपंच पास वाले, वो स्कूटर पे घुमाया पूरा दिन, रोला है साला का, और तुम टांगों में टांगो मार तो कुत्तों की तरह घूमते रहो सड़कों पे। साला ना कोनो स्टैंडर्ड है, ना कोनो बातचीत है। अरे ये गाड़ी है, इसको सीखो, इस लड़के से सीखो। का नाम है तोरा? प्लीज टेल दी रॉन्ग नेम। टोनी। इससे सीखो, रोला बनेगा पूरे गांव में तुम्हारा, वरना मर जाओगे कुत्ता की मौत। साला तुम्हारी औलाद मरेगी, तुम मरोगे साला भूखा नंगा। अरे कुछ बनो, कुछ करो। दूसरा तू ही है ना? पकड़ो। अब तो होगा फैसलो, अब तो लगा दे आग। ससुरा सरपंच जी, का फांसी कब देनी है? क्यों फैसलो बदल लियो हम? काय 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 काय। कितनी बार बताएं कि ई गांव में पढ़ाई लिखाई करनो मनो है, कोनो हाथ में दोबारा कागज कलम दिखो ना तो हाथ कलम कर देंगे। चलो रे। सरपंच जी, सरपंच जी, ई का तो मत लेके जाओ सरपंच जी, सरपंच। का भैया, कोनो परेशानी है का? कहाँ से हो? इससे पहले तो हमने तुमको गांव में देखा नहीं। इनका किताब पढ़ने का शौक है ना? तुमको कैसे पता? अरे भैया लेना है का? हैं? आओ तो आओ, कोने में को आओ, हम देंगे तुमको। लो लो भैया, लो जल्दी लो।
पापा गंडी पापा अब हम किताब ला रहे पापा आपके लिए। कौन है किताब? अरे भैया अरे पैसा वैसा कम हो तो बाद में दे देना। समझो पुरुषोत्तम, सरपंच जी ने फैसलो काहे बदलो है। सब समझ आ रहा साहब। का नाम है इस ससुर का? KTM। खत्म? हाँ खत्म। चलो रे। अरे भोसड़िया के रोको रोको, उल्टी काहे चल रही है? आप उल्टे बैठे हो। सब पता है मन्ने, बहुत चलाई है। चलो गुड्डू, हमें ना लग रहा ये काम करेगी। काहे ना करेगी, थोड़ा सा कम ताकत हो हिरन से। देखो गुड्डू, ये होता है जलवा। दो दिन का लल्लो सरपंच लेके घूम रहो, और एक तुम हो के बकरो गांड ना मार रहो तुम्हारी। गुड्डू अगर गांव में जलवा वापस लानो है तो कुछ करो। इतनी तेज चल सको गई खत्म, बस ससरा गांव का आठ छाट आगे निकल लो। दादाजी, दादाजी क्या हुआ? दादाजी चोट तो नहीं लगी? सरपंच जी ये गाड़ी अब ज्यादा देर न चलेगी। हैं? हमारा रोला कैसे जमेगा गांव में? अब तो इसे एक ही आदमी चला सकता है बस। कौन? वो जो पंचायत में था। ना ना, वो ससुर को ना बुलाएंगे हम। तो रहन दो फिर। ठीक है बुला ले। वाह वाह भाई अनवर, मजा कर दिया यार तूने, यार गजब कर दिया यार आज। और क्या बचाया यार तूने। और सुन तो, मैंने सरपंच जी को मीठी गोली देकर तेरे गांव में रुकने की बात कर ली है। क्या हुआ, तू रो क्यों रहा है? आज मैंने वो पापा को, तूने अपने पापा को देखा? पापा तो हमारी उम्र के होंगे, क्या करते हैं वो? कहां देखा? हां देखा, और उनकी काली गाल को भी। क्या मतलब? गंडी है पापा, गाल उधार देते। तू पूछता था ना, पूछता था ना मेरी शकल मेरे पापा से क्यों नहीं मिलती, इसलिए नहीं मिलती। चल कोई नहीं, इस उम्र में ये शौक पड़ ही जाते हैं। हाँ हैं तो मेरे पापा ही, मुझे पापा को एक चीज भी देनी है। भोसड़ा, 5 बजे टी टी टी। अरे भैया, अरे अरे क्या हुआ सरपंच जी? क्या हुआ बाबूजी? हाँ क्या हुआ सरपंच जी? अरे किसी ने बहुत भर कर रैप्टो मारो। सरपंच जी आपके ही मारा है? मेरे भी मारा है, ये देखो फिर मार दिया। सरपंच जी कोई छलावा है? छलावा? गांव के लोग नहीं चाहते कि आप गाड़ी चलाना सीखो, आपका रोला हो, इसलिए किसी ने टोकटा करके आपके ऊपर छलावे छोड़ दिए। जलते हैं आपसे। बहुत सारी आगे जले तो हैं। जल्दी से कुछ फूक के इन्हें भगा दो। हद से इतने नजाकत से होते गए,
हम पुराने और जख्म ताजे होते गए, ई ताजे जख्मों ने खत्म कर दियो कई भूत और चलावे तेरी माँ। मैं मशीन ढूंढ कर लाता हूँ। हैं? मशीन का हो? कुछ नहीं, मैं रेडी होकर आता हूँ, चलते हैं। रेडी का हो? यार मैं तैयार होकर आता हूँ, चलते हैं। शायरी काम कर गो। ए भैया, काले रंग का बक्सा देखा है क्या? ना भैया, हमने ना देखो। ओसड़ी के ए ए गांडू, कहाँ जा रहे हो? और तुम क्या लंडे ले रहे हो इसके साथ? अबे चल भैया, यहाँ काम नोंगे, चल निकल यहाँ से। हैं, ये कहाँ भेज रहे हो? अरे मार ही रहे हो, है मरवा हम रहे हैं, तुम रिगाड़ में कहा था तो और हम आई गाड़ में दस साली, इतनी मियाँ खाली पाना पीटी जितनी तुम पिटवा रहे हो हर खेत में जा जाके। और तू साले निकल यहाँ से, निकल यहाँ से भाई, घर जाओ यहाँ से। अबे कंडी साला। गांव में घनी बेइज्जती हो रखी सरपंच जी, कल दुई लड़का लोगन ने ही खत्म पैसे लुढ़कते बुढ़कते देख लिए तुम्हें, पूरे गांव में ऐसा ढिंडोरा पीट दो। सरपंच जी हो गई ठीक, बैठो पीछे। ए टोने, अभी को हम चलाएंगे, तुम पीछे बैठो। चलाएंगे नहीं, पूरे गांव में उड़ाएंगे। कबूतर ना उड़ा दोगे? कबूतर कुट्टू, ये मौका है ये जानवर को यहीं खत्म करने को, और कुछ दिनों बाद सरपंच की निगाहों में तेरा रोला होगा और सरपंच तुझसे बहुत खुश होगा। कबूतर भी उड़ाए हैं, और ऐसो ऐसो कबूतर उड़ाए हो है, उड़ते उड़ते पकड़ो भी है। एक तो ऐसा उड़ रहा था यू, और यू उड़ता हुआ लिया था। अब गुट्टू कहाँ घुसेड़ दियो ये भुसरिया का, हमारा तो नसीब ही खराब है। चल अरे किसकी माचुद को, अगर मिल गया ना तो कुट्टी काट देंगे पुरुषोत्तम। आओ सरपंच जी बैठो आगे। अरे बैठो ना, अभी तो तुम उड़ाने कह रहे। अब ना बैठ जाओगे। बाबू बाबू जाइए बाबू। तुम्हारे बापू की मौत इन दवाइयों की वजह से हुई है। दवाओं से किसका मौत हो? दवाइयों से नहीं मरते, पर एक्सपायर दवाइयों से मरते हैं। ये एक्सपायर का हो? तुम पढ़े लिखे होते तो तुम्हें पता होता कि एक्सपायर का होता। बहुत दुख हुआ सत्तू सुनकर, ऊपर वाला विनोद की आत्मा को शांति दे। सरपंच जी, आज हम पढ़े लिखे होते तो अपने बप्पू को बचा लेते, तो ये एक्सपायर दवाई अपने बप्पू को ना देते। ए सत्तू, मौत को कोई ना टाल सको, ना कोनो दवा ना कोनो शिक्षा। अंबर भैया कहाँ खोयो? ए टोनी भैया कुछ सुनाओ ना, भैया को भी नींद आ रही है और हमको भी कुछ सीखना है, कुछ लिखे हो का आज? सुनो,
मेरी आंखों में देखा कर, जब मैं बात करता हूँ मैं वो लुंडा नहीं जो तेरे साथ पढ़ता हूँ। व्हाइट गिनी लाया हूँ तुझे पिक कर लूँ, देख लूंगा तेरे आशिक और टीचर नू। गाओ। मेरी आंखों में देखा कर, जब मैं बात करता हूँ मैं वो लुंडा नहीं हूँ जो तेरे साथ पढ़ता हूँ। व्हाइट गंडी ला मुन्ना, व्हाइट गंडी नहीं व्हाइट गिनी, मतलब व्हाइट लैम्बोर्गिनी। छोटा गंडी हो या बड़ा गंडी हो, है तो गंडी ना टोनी भैया। गंडी नहीं गिनी, एक कार है जो कि बहुत लंबी होती है। तो भैया हम दोबारा सुनाएं। गाओ। मेरी आंखों में देखा कर, जब मैं बात करता हूँ मैं वो लौंडा नहीं हूँ जो तेरे साथ पढ़ता हूँ। इरशाद गंडी लाया हूँ। मुन्ना इरशाद कहाँ से आ गया इसमें? भैया हम अभी सीख रहे हैं तो कुछ भी डाल देते हैं। चलो ठीक है, तुम्हारी क्लास आज यहीं खत्म होती है, कल सिखाएंगे। ठीक है टोनी भैया। हमको पढ़ना है। बेटे अनवर, कभी भी किसी की मदद करने से पीछे मत हटना। अनवर भैया ई रहा तुम्हारा बोर्ड। देखो सत्तू, पढ़ाई बहुत जरूरी होती है। खैर हम सबसे पहले पढ़ाई में शुरू करेंगे अपनी भाषा से, हिंदी। हिंदी भाषा में सबसे पहले होता है छोटा बड़ा। हमारा तो बड़ा सत्तू, अक्षर है ये छोटा बड़ा। ये देखो कैसे होते हैं, ये है छोटा, ये बड़ा, ये क्या है? छोटा। गुड, ये क्या है? बड़ा। टोनी भैया हम आपसे कहे ना, हम एक रैप लिख रहे हैं, हमने 15 दिन में लिख लियो है, सुनाए का? हाँ सुनाओ। ये सुपाय मुन्ना रैपर, लेट्स गो। नाम मेरा मुन्ना, बापू कहते काम तेरा बस घूमना, घूम कर देखो है ये मैंने पूरा गांव। यहाँ अनपढ़ है सारे बच्चों से लेकर ताऊ, ख्वाब है ये मेरा बन जाऊंगा एक दिन रैपर, और बदल दूंगा इस गांव की तस्वीर, और होगा हर बच्चे के हाथ में पेन और कॉपी पेपर। ये सिपाही मुन्ना रैपर। वाह मुन्ना तुम तो बहुत जल्दी सीखने लगे। तो 2 × 3 कितना होता है मास्टर जी? 6। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 12 × 28 कितना होता है? 40। अरे वाह पापा, बहुत अच्छे इरशाद। सरपंच जी गांव के लिए भला चाहो है। अब बताओ ये है घटा का। मागनलाल जी 4 घटे तो क्या आएगा, कहा चल लो है? नहीं चल कर रहा हुआ यो, सरपंच का मान मर्यादा का कौन ख्याल ना है, पढ़ाई चल रही है। वे माखनलाल, औकात में रहो अपनी। हम अपनी औकात में ही है, शायद तुमका पता नहीं है हम सरपंच का बाया हाथ है। बाया हाथ पता है ना किस काम में आता है? तो हमें बताओ किस काम में आता है? गांड धोने के। ए मास्टर अब हम तुमको बताएं, हमारा काटा पानी कौन मांगता है? मांगेगा कैसे, सारे पानी से तो ये गांड धो देता है ना सरपंच की। ये जानवर ने हमारे गांव में रोला खत्म कर दियो है, गांव का कोनो आदमी पलट के नहीं देख रो है, आदमी छोड़ो कोनो कुत्ता गांडनी मार रो है, अरे कुत्ता छोड़ो कोनो बकरो गांडनी मार रो है। कबीरा वैसे तुम लिखते तो बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर तुम फिलो और हुक पर काम कर लो तो मजा आ जाएगा। ये हुक नहीं, सॉन्ग में हुक। क्या हाल चाल है मुन्ना? बढ़िया बढ़िया, मौसम अच्छा हो रहा आज को। ए कबीरा, कबीरा ये क्या कर रहे हो, पागल हो क्या? मुन्ना तुम निकलो यहाँ से, तुम्हारा कोई काम नहीं है। कबीरा छोड़ो उनको, कबीरा बुड्ढा। टोनी भैया तुम निकलो। मुन्ना मैं तुम्हें छोड़ कर नहीं जाऊंगा। टोनी भैया हम आ रहे हैं आपके पीछे पीछे, निकलो तुम यहाँ से।
धोनी भैया निकलो आप। सांप पाल रखो था इसकी यो मजाल। सी इज स्लीपिंग। तो बच्चों हमने इसमें आईएनजी फॉर्म का यूज किया है। मैं जा रहा हूं खा रहा हूं। मार। सुअर का बच्चा साला, कल का लौंडा तू हमारे खिलाफ जागा। ए पोतो ई के मुंह पे कालिक और बांधो ढोरों से, घुमाओ ससुरे को पूरे गांव में और दिखाओ कि सरपंच के खिलाफ जाना कितना गलत हो सके। अनवर, पापा, मुन्ना। कहा मुन्ना? कहा हमारे मुन्ना को? गुड्डू और कबीरा बांसों के खेत में उसे जान से मार देंगे। कब सीख गो चलाना? राहुल मेरी बात सुन, तू वापस निकल यहाँ से। मैं तुझे यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैंने तुझे बताया नहीं मुझे मशीन मिल गई थी, मैं तेरे पीछे आ रहा हूँ ये सब ठीक करके। अब जाना। तो पापा और दादाजी को बचा लेगा ना? भरोसा रख। मुन्ना, ए मुन्ना, मुन्ना, ई रात तेरा मुन्ना। ए छटूरे, तोहरी ये औकात के तू हमरे लड़के को मारेगा। बाबूजी, मुन्ना और सरपंच जी की जान खतरे में है, हमें चलकर उन्हें बचाना होगा। हम कहां जाएंगे उनको बचाने? उनकी वजह से हमने दो लड़का मर गए, उनकी वजह से हमारा बाप मर गयो। हमका हमारे पढ़ाई से रोक लियो, हमका पुतला बनाकर पूरे धूप में खड़ा किया वो सरपंच, हमको पूरा ककड़ी बना दियो। चुप। शिक्षा में ये नहीं सिखाती। पतवा सरपंच, हमारी दुश्मनी तुमसे ना थी, हमारी दुश्मनी वो जानवर से थी। का नाम है वो का? टोनी। टोनी, तुम्हारी गलती ये होगो कि तुमने वो को घर पे जगह दी। आगा तो जरूर मरोगे और तुम भी मरोगे, फिर हम बनेंगे ई गांव के सरपंच। बाबूजी तुम ठीक तो हो ना? मुन्ना हम ठीक हैं, तुम ठीक हो ना? जी बाबूजी। मुन्ना तुम अभी भी गलत रास्ते पर हो। बाबूजी हमें कितना पढ़ाई लिखाई पर हमरी दुई पैसा की नौकरी न लग सको। बाबूजी के बुरे वक्त में हम उनका सहारा न बन सको। और बाबूजी इस सदमे में ही चले गए, तमें तो सब पता है ना मुन्ना। बाबूजी आज सायरी ने सुनाओगे का? अरे बिल्कुल सुनाएंगे मेरे बेटे, सुन। मोहब्बत में हम ऊ की ए का मुजरा चल रहा है यहाँ। ए कबीरा ऊ ना आगा, खत्म करो ये बाप बेटे का खेल।
रवीरा। मार कबीरा। जी कुछ बोलोगे ना का? अनवर भैया ई गांव में एक स्कूल खुलेगा और वो स्कूल का नाम होगा अनवर स्कूल और ये जिम्मेदारी हम तुम दोनों पर छोड़कर जाते हैं। सरपंच जी ई गांव को आपको जरूरत है। गांव को हमारी नहीं अनवर जैसों की जरूरत है। और उसके बाद बाबूजी फिर कभी वापस नहीं लौटे। और अनवर सर उनका क्या हुआ? अनवर सर घंटों घंटों बस स्टैंड पे पता नहीं किसका वेट करते हैं। क्यों परेशान हो? मेरा एक दोस्त रोज यहाँ आता है, अगर वो आज नहीं मिला तो मैं बहुत अकेला पड़ जाऊंगा। जिसके सच्चे और पक्के दोस्त होते हैं वो कभी अकेला नहीं पड़ा करते। अनवर नहीं, तुम अनवर नहीं हो सकते। का मतलब तुझे मशीन कभी मिली नहीं थी, तूने ऐसा क्यों किया? मैं जा रहा हूं पास्ट में, ये मशीन तुझे दे दूंगा और तू वापस आ जाना। अब जरूरत नहीं है जाने की। तू कहता था ना मुझसे कि मैं अपने काम से खुश नहीं हूं, गुस्से में रहता हूं। मैं बहुत खुश था, पापा के साथ जिया, वहां बच्चों को पढ़ाया, उस काम से मैं बहुत खुश था। बैठ, लेना मिलेगा। चल घर चल। चश्मा पहन ले, छपरी बनने में कमी आ रही होगी। साले सूट दूंगा। अरे दादा की उम्र का हूँ। हरिया दूधिया। हे गाइस, तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, क्योंकि लाइक करना है। 3 महीने लगे यार वीडियो बनाने में, बहुत टाइम लगा है, तो एक लाइक करे बिना मत जाना। और वीडियो को शेयर करना है और चैनल करना है सब्सक्राइब। और गाइस आपको मैं बता दूं कि आपको कमेंट करनी है नीचे और विंजो ऐप को डाउनलोड करो, उस पे 70 से ज्यादा गेम्स है, लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में। तो
खत्म, टाटा बाय बाय। ऑस्कर है ये राउंड 12 का, मैं जा रहा हूँ लेकर, ले लेते हैं हम। बाय बाय वसीम भाई, बाय बाय। सर पेमेंट तो कार्ड से करोगे ना? हैं, यो कार्ड का हो।